सपा भाजपा प्रत्याशियों के बीच अब ओम प्रकाश राजभर ने भी लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों का नाम ऐलान कर दिया है। इस ऐलान में ओम प्रकाश राजभर ने घोसी की लोकसभा सीट पर अपने बेटे अरविंद राजभर के नाम का ऐलान किया है और अब अरविंद राजभर घोसी की लोकसभा सीट पर एनडीए की तरफ से उम्मीदवार होंगे। लेकिन जैसे ही अरविंद राजभर के नाम का ऐलान हुआ उसके बाद अरविंद राजभर बहुत ही खुश नजर आए और उन्होंने उमेश शाह से लेकर ओम प्रकाश राजभर की क्या कुछ बात कही वो सुन लीजिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय गृह मंत्री जी को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के खाते में घोसी की सीट दे करके और घोसी से हमको प्रत्याशी बनाने का जो एक निर्णय लिया है मैं इसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय कैबिनेट मंत्री श्री ओम प्रकाश राजभर जी को भी आभार प्रकट करता हूं और अपने उत्तर प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं कि सभी लोगों ने मिलकर के घोसी से माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जो संकल्प लिया है हमें पूरा विश्वास है कि ये संकल्प हम पूरा करेंगे और फिर से 80 की 80 सीट जो जीतने का संकल्प है इसको पूरा करते हुए तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को बैठा करके वंचित पिछड़े दलित शोषित गरीब समाज के कल्याण के लिए जो हितकारी कार्य होंगे उसको भी पूरा करने का काम किया जाए। बता दें कि अरविंद राजभर पिछले विधानसभा चुनाव में वाराणसी की शिवपुर सीट से चुनाव लड़ चुके हैं और सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का उस वक्त गठबंधन था, लेकिन भाजपा के कद्दावर नेता और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अनिल राजभर के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा और ओपी राजभर के बेटे अरविंद राजभर यहां पर हार गए। फिलहाल अरविंद राजभर लगातार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में काम कर रहे हैं और इस बार 2024 के चुनाव में अरविंद राजभर को प्रत्याशी बनाया गया है। वहीं गठबंधन की बात करें तो एनडीए अलायंस में सुभाषपा को जहां घोसी की सीट दी गई है तो वहीं अब ओम प्रकाश राजभर बलिया के साथ गाजीपुर की सीट भी मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि ओम प्रकाश राजभर को बलिया या गाजीपुर इसके अलावा कोई और सीट मिलती भी है या फिर ओम प्रकाश राजभर को घोसी की सीट पर ही संतोष करना पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।